कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का मकसद लिए सरदेवा न्यू पीटी कॉलेज और MyFM के संयुक्त तत्वावधान से ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया। बच्चों ने इस एग्जाम को लेकर जागरूकता का परिचय दिया। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व साथ ही MyFM के संयुक्त प्रयास से स्कूली विद्यार्थियों के लिए ब्रेन ऑफ सिटी थीम लिए OMR शीट के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसी कड़ी में सुंदरनगर स्थित KPS स्कूल में भी स्कूली विद्यार्थियों ने जो कि 9वीं से कक्षा 12वीं तक के हैं उन्होंने ये एग्जाम दिया। KPS स्कूल सुंदरनगर के प्रिंसिपल राजेश किन्हेकर ने इस एग्जाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं शाला के विद्यार्थियों ने भी सचदेवा कॉलेज व MyFM का आभार जताते हुए अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। नमस्कार, मैं राजेश किन्हेकर, प्रिंसिपल KPS सुंदरनगर भिलाई, और आज हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी पहल की है MyFM और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की तरफ से। उन्होंने ब्रेन ऑफ सिटी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ कि 2-3 सालों से अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही थी, बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्हें पता चलेगा कि वो कितने पानी में हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्हें ये भी पता चलेगा कि अपने भिलायंस में जो स्टूडेंट हैं उनके बीच वो कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। और उनमें मैंने देखा है, जब मैंने अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू हैव सच टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन, उनमें बहुत एंथुजियाज़म था। और आज भी जब मैं राउंड पे गया था देखा तो उनमें परीक्षा के लिए बहुत एंथुजियाज़म दिखा। तो मैं फिर से दैनिक भास्कर ग्रुप, MyFM और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ तेजस मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम KPS सुंदरनगर भिलाई, एंड आई थैंक सचदेवा पीटी कॉलेज एंड MyFM for conducting this exam. I found this exam very exciting and the questions are very interesting. And after a long time of pandemic, we have gone through this such type of intelligent exams. Thank you. एग्ज़ाम मैंने दिया, एग्ज़ाम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं MyFM, दैनिक भास्कर और सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज को थैंक यू बोलना चाहूँगी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस थे बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, मतलब अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ये एग्ज़ाम देने के बाद हम अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमें और कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं अभी, हमें कितना मेहनत करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। और इतने दिनों बाद ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा, ये एग्ज़ाम देख के हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैंने भी ये पेपर दिया था और इस पेपर को देने के कंडक्ट कराने के लिए मैं MyFM, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज और दैनिक भास्कर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब मैंने ये पेपर दिया तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ कर पाई और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग पेपर दिए होंगे वो लोग भी अपने आप को उतना ही समझ पा रहे होंगे कि उनको किस चीज़ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कहाँ कमी पड़ रही है, कहाँ सही जा रहा है। पेपर बहुत ईजी था, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के कारण वो सारे क्वेश्चंस बनने वाले थे। और एक लॉन्ग टाइम के बाद ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आकर पेपर देने के लिए पेपर दिया और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं फिर से MyFM, दैनिक भास्कर और सचदेवा पीटी कॉलेज को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने बीते 25 सालों से कोचिंग प्रशिक्षण देकर कीर्तिमान तो रचा है, साथ ही इस एग्ज़ाम के माध्यम से अपनी बेहतर सोच का भी परिचय दिया है। निश्चित ही एग्ज़ाम विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।